सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैम्बर से। चैम्बर की नीचे वाली शीट जो है दोस्तों, वो हम लोग स्टील की अच्छी क्वालिटी EN42 की लगा रहे हैं। उसके बाद जो चैन है दोस्तों, ये हैवी ड्यूटी और ज्यादा लाइफ वाली, जिसका किसान भाइयों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अभी आपको जानकारी दे रहे हैं ब्रीज कंबाइन के ऑटो अटैच कटर बार की। ऑटो अटैच कटर बार दोस्तों ब्रीज ग्रुप ने 2013 में सबसे पहले भारत में तैयार कर दिया था। उसका बेनिफिट ये है दोस्तों के कटर बार को आप जमीन पे अनअटैच कर सकते हो, जमीन से ही अटैच कर सकते हो। उसके बाद चैम्बर की हमने ज्यादा लंबाई रखी है, जिससे ऑपरेटर को चलाने में और कटर बार ब्लेड देखने में आसानी हो। और लाइट जो हमने स्पेशली कंबाइन हार्वेस्टर के लिए डिजाइन करवाई है, LED लाइट, जिसकी अनलाइट के मुकाबले 3 गुना रोशनी ज्यादा है, जो रात को भी दिन जैसे उजाले का आपको महसूस होगा और आपकी कंबाइन हार्वेस्टर जो है रात को भी ज्यादा देरी तक चलेगी। अभी आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर की आगे वाली सीढ़ी, जो हम लोग फोल्डिंग सिस्टम दे रहे हैं, जिसका फोल्ड करने में ऊपर उठाने में काफी आसानी होती है। उसके बाद दिखाने जा रहे हैं दोस्तों साइड की शील्ड। साइड की जो शील्ड जो है दोस्तों, ये सिंगल शीट में और अच्छे डिजाइन में, अच्छी फेस्टो जापानी टेक्नोलॉजी से तैयार मशीनों के द्वारा हम लोग इस चीज को फोल्ड करते हैं, जिस चीज की लाइफ ज्यादा होती है, देखने में अच्छी लगती है, अच्छे ग्राफिक के साथ दोस्तों ये चीज हम लोग कंबाइन में फिट कर रहे हैं। इसके बाद जानकारी दे रहे हैं दोस्तों आपको टूल बॉक्स की। बड़े वाला टूल बॉक्स हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर में लगा के दे रहे हैं, गाँव के ऑपरेटरों को और किसान भाइयों को सामान रखने में आसानी हो। उसके बाद आपको दिखाने जा रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर के बैटरी बॉक्स की। बैटरी बॉक्स भी दोस्तों प्रीज के अच्छे ब्रांड के साथ अच्छी मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका बैटरियों की लाइफ में और उसकी देख रेख में और उसकी केयर में बहुत ज्यादा बेनिफिट। जो कंबाइन हार्वेस्टर की हम लोग 85 की शीट लगा रहे हैं, ये सिंगल शीट लगा रहे हैं और रिफ्टिंग सिस्टम कर रहे हैं, इसमें वेल्डिंग ना करते हो, हम लोग रिफ्टों से अटैच करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर की चैसी को। और उसके बाद जितनी भी हमारी आर्म वगैरह लग रही है, ये टोटली आर्म हम लोग नंबर एक को पीछे ब्रांडेड की आर्म होगी और फोर्जिंग की आर्म हम लोग लगा रहे हैं। और उसके बाद जितनी भी हमारी बेल्ट या बेयरिंग वगैरह है, टोटली इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों के साथ हमारे टाई अप है, वही बेयरिंग और बेल्ट वगैरह टोटली हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर में लगा के किसान भाइयों को देते हैं। आपको बताने जा रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर की टेल यानी पूंछ के बारे में। पूंछ दोस्तों सिंगल शीट में इंडिया में सबसे पहले 1997 में प्रीत ग्रुप ने लगाई थी, जो अभी एक्स्ट्रा स्पोर्ट के साथ, एक्स्ट्रा फ्रेमिंग के साथ हम लोग लगा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर किसान भाइयों को कंबाइन हार्वेस्टर पे SMS सिस्टम लगवाना है तो कंबाइन की पूंछ की कटिंग ना करनी पड़े। एक्स्ट्रा स्पोर्ट के साथ हम लोग पूंछ तैयार कर रहे हैं। अभी आपको दिखाने जा रहे हैं प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर की बैक साइड। दोस्तों कहते हैं कंबाइन देखने में और चलने में और किसान भाई के घर खड़ी दिखने में भी खूबसूरत होनी चाहिए, उस चीज का भी प्रीत ग्रुप ने खास तौर पे ध्यान रखा है। बैक साइड की आप ग्राफिक देख सकते हो, बैक साइड की डिजाइनिंग देख सकते हो, वो चीज भी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है प्रीत की, और बहुत ही बधाई के पात्र है प्रीत ग्रुप और किसान भाइयों की बदौलत आज प्रीत ग्रुप को 7 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों इस साइड में आपको मैं दिखाना चाहूंगा बड़ा डीजल टैंक। बड़े डीजल टैंक का दोस्तों ये फायदा होता है किसान भाइयों के लिए कि बार बार डीजल भरने से छुटकारा। अभी आपको जानकारी दे रहे हैं प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर के एलिवेटर की। एलिवेटर दोस्तों भारत में सबसे पहले 2011 में
ब्रीथ ग्रुप ने तैयार कर दिया था, जो पांच जगह से लगभग होल्डिंग सिस्टम है, स्टेनलेस स्टील क्वालिटी का है, घिसाई इसकी कभी नहीं होती, हैवी ड्यूटी है। अभी आपको जानकारी देने हैं ब्रीथ कंबाइन में लगे हुए ऑटो अटैच रेडिएटर सिस्टम के बारे में। ऑटो अटैच रेडिएटर सिस्टम सबसे पहले 2003 में ब्रीथ ग्रुप द्वारा तैयार किया गया था, जो अपने प्रोडक्ट में अपनी कंबाइनों के हर मोटर में ये चीजें लगाते आ रहे हैं, जिससे क्या है किसान भाइयों को बार बार रेडिएटर की जाली साफ करने से छुटकारा मिल गया है। बहुत ही खास जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ, जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। कंबाइन हार्वेस्टर में मेन पार्ट होता है चैम्बर, चैम्बर में होता है जैक। जैक जो हम लोग किसान भाइयों कंबाइन हार्वेस्टर में 50 mm का एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी जैक हम लोग लगा के दे रहे हैं। उसके बाद बताना चाहूंगा आपको आगे वाला हिस्सा, फ्रंट एक्सल जिसको कहते हैं। फ्रंट एक्सल दोस्तों पहली बार भारत में इटालियन क्वालिटी का फ्रंट एक्सल ब्रीथ ग्रुप ने अपने मॉडल में लगा रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। किसान भाइयों, प्रीत कंबाइन के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनमें हम लोग जो पेंट कर रहे हैं, फिटिंग से पहले पेंट करते हैं, वो भी भट्टी पेंट यानी स्टोबिंग पेंट, जो प्रीत ग्रुप ने इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया। इस पेंट की ये खासियत है कि आपकी कंबाइन धूल मिट्टी में, आंधी तूफान में, बरसात में कहीं भी खड़ी रहे, कभी भी आपकी कंबाइन हार्वेस्टर की लाइफ कम नहीं होगी। पेंट की वजह से आपकी कंबाइन हार्वेस्टर की चद्दर की लाइफ बरकरार। अभी आपको जानकारी दे रहे हैं ब्रीथ कंबाइन के गियर बक्से के बारे में। गियर बक्सा जो हम लोग किसान भाइयों लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी गियर बक्सा लगा रहे हैं, 5 गियर की कंबाइन हार्वेस्टर विद रिवर्स गियर बक्सा। गियर बक्सा जो हम लोग लगा रहे हैं सेंक्रोमिक गियर बक्सा, कॉलर सिस्टम जो ट्रांसमिशन ऑयल के साथ आता है, गियर ऑयल के साथ नहीं, ट्रांसमिशन ऑयल के साथ गियर बक्सा हम लोग दे रहे हैं, जो चलने में दमदार लाइफ भी इस गियर बक्से की ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग एक्सल वगैरह लगा रहे हैं, एक्सल भी एक्स्ट्रा पावर के, कपलिन भी एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी लगा रहे हैं। उसके बाद जो ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, ब्रेक डबल पेडल में लगा रहे हैं, ऑयल मेस्ट ब्रेक, तेल में डूबी हुई ब्रेक। इस ब्रेक की किसान भाइयों पावर ज्यादा है, मेंटेनेंस जीरो। जो हम लोग रिडक्शन गियर लगा रहे हैं और हब लगा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी और एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी हम लोग इसको कहेंगे, वो कंबाइन हार्वेस्टर में हम लोग लगा रहे हैं, जिसकी पावर भी और इसकी जिसकी लाइफ भी सालों साल रहती है, इसका मेंटेनेंस जीरो रहता है। जो हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर में क्लच लगा रहे हैं, 13 इंच की क्लच प्लेट लगा रहे हैं, और एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी हमारा क्लच असेंबली है, जो सालों साल चलेगी, जिसकी जो है मेंटेनेंस भी जीरो रहेगा। अभी मैं प्रीत कंबाइन 987 डीलक्स मॉडल का जो नई कंबाइन हमने बनाई है, उसके कटर बार की मेन चतर जो ट्रे है मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो 14 फुट के सिंगल पीस में लग रही है, और स्टील की अच्छी क्वालिटी EN42 की हम लोग वो लगा रहे हैं। उसके बाद फ्रंट ऑकर जो आ रहा है, फ्रंट ऑकर हम लोग लगा रहे हैं 16 इंच डाई का। यह है कि कई बार आपकी फसल ज्यादा हेड की होती है, तो उसमें कंबाइन पे चलने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद दिखाने जा रहा हूँ आपको रील। रील जो है किसान भाइयों, हम लोग सिंगल शीट की रील लगा रहे हैं, जो 1998 से सबसे पहले प्रीत ग्रुप ने ये लगाई थी, 1998 में लगाई शुरू की थी। आज भी समय समय पे सुधार करते हम लोग सिंगल शीट की रील लगा रहे हैं। उसके बाद दिखाने जा रहा हूँ नीचे वाली जो चतर है, शीट है, वो भी हम लोग 14 फुट का सिंगल पीस EN42 का लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पोर्ट के साथ। अभी मैं दिखा रहा हूँ कटर बार का, कटर बार में बेल्ट के ऊपर एक्स्ट्रा गार्ड हम लोग लगा रहे हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे बेल्ट और चेन सिस्टम चलता है, उसमें कई बार किसान भाई का या उसके ऑपरेटर वगैरह का हाथ वगैरह आ जाता है एक्सीडेंट वगैरह, तो उसके लिए हमने फुली इसको कवर कर लिया। उसके बाद दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको कटर मोटर सिस्टम, कटर गियर जिसको कहते हैं। ये प्रीत ग्रुप ने इंडिया में सबसे पहली बार 2001 में डेवलप किया था किसान भाइयों, जो आज भी समय समय पे
चेंजिंग होते होते आज भी अच्छी क्वालिटी के साथ आ रहा है। इसका ये बेनिफिट है हैवल के मुकाबले 3 गुना फसल की कटाई जो है ब्लेड ज्यादा करता है। कंबाइन हार्वेस्टर में जितनी भी गरारी वगैरह लगती है वो टोटली गरारी हम लोग टेम्पर गरारी लगाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर में, ताकि गरारी की घिसाई जो है कम हो। और उसके बाद जो मेन शाफ्ट होती है किसान भाइयों कंबाइन हार्वेस्टर के कटर बार की, इसमें भी हम लोग दोनों तरफ डबल बैरिंग के साथ दे रहे हैं, ताकि अगर कभी का आपका एक बैरिंग खराब हो गया तो दूसरे बैरिंग के सहारे आपका कटर बार आपकी कंबाइन चलती रहे, आपकी कंबाइन में ब्रेक डाउन ना। बहुत ही खास जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ कि जो कंबाइन हार्वेस्टर हम लोग बीज बना रहे हैं उसमें जितने भी जूती बैरिंग वगैरह लगा रहे हैं, मैं खुद अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हमारी इंजीनियरों की टीम बता रही है कि जितने जूसी बैरिंग प्रीत हार्वेस्टर में लगे हुए हैं उनको आपको डेली ग्रीसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। गेहूं का सीजन है तो उसमें आप तीसरे दिन हल्का सा कीजिए, अगर आप डेली ग्रीसिंग करोगे तो उसकी जो ग्रीस वगैरह होती है वो निकल जाती है, इससे बैरिंग का नुकसान होता है। ग्रीस आप 1 या 2 दिन हटके ही कीजिए। जूसी बैरिंग जो मेन बैरिंग है उनको आप कीजिए, जिसमें आपके समय की भी बचत होगी और जो एक्स्ट्रा ग्रीसिंग के आपका पैसा लगता है किसान भाइयों का वो भी बचत। प्रीत कंबाइन के छन्ने के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये 30 स्टेप छन्ने होते हैं जो नियर अबाउट 90 मिलीमीटर के होते हैं, जो अनकंबाइन के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका क्या फायदा होता है कि जितना ये बड़ा होगा उतनी ही गाड़ी आपकी कंबाइन जो तेजी से चलेगी, उतना ही काम अच्छा होगा। उसके बाद स्टॉपवॉकर के बारे में, स्टॉपवॉकर जो है सिंगल सीट के स्टॉपवॉकर वो भी स्टीली चद्दर में बना रहे हैं और हैवी वेट में बना रहे हैं, 0 बैलेंस के साथ ही स्टॉपवॉकर बना के दे रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको किसान भाइयों दिखाना चाहूँगा रियर एक्सर पीछे वाला हिस्सा भी हम लोग प्लेटर दे रहे हैं किसान भाइयों, और आर्म सिस्टम भी जो है आर्म सिस्टम एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी आर्म सिस्टम हम लोग कंबाइन लगा के दे रहे हैं। और पावर स्टीयरिंग होता ही है, सीट आरामदायक सीट, ताकि लंबे समय तक ऑपरेटर भाई जो है उनको थकावट ना हो, लंबे समय तक कंबाइन हार्वेस्टर को ऑपरेट कर सके। प्रीत कंबाइन में हम लोग 3 तरह का इंजन लगा रहे हैं, 101 हॉर्स पावर का, 110 हॉर्स पावर का और 137 हॉर्स पावर का। 137 हॉर्स पावर के इंजन की किसान भाई और डिमांड इसीलिए आ रही है कि आने वाले समय में कंबाइनों पे 4x4 और एक्सप्रेस की डिमांड काफी बढ़ रही है, जिसको देखते हुए हर किसान की यही डिमांड होती है कि कंबाइन हार्वेस्टर में एक्स्ट्रा पावर का इंजन होना चाहिए। जो हाइड्रोलिक सिस्टम प्रीत कंबाइन में लगा के दे रहे हैं हम लोग 100 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का लगा के दे रहे हैं, ताकि आपकी कंबाइन की हाइड्रोलिक सिस्टम की कैपेसिटी पावर बरकरार बनी रहे। ग्रेन टैंक जो है प्रीत कंबाइन का दोस्तों बहुत ज्यादा बड़े वाला है, लगभग गेहूं के इसमें 21 क्विंटल के करीब आ जाते हैं। अन्य कंबाइनों के मुकाबले में ग्रेन टैंक हमारी कंबाइन का बहुत ज्यादा बड़े होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप अनाज टैंक से निकालते हैं तो लीवर कटने के बाद भी आपका जो डिस्चार्ज होकर वो चलता रहता है, लेकिन उस चीज के समाधान के लिए हमने ब्रेक लैदरी पुली जो लगाई है, जैसे आप लीवर कट करोगे ऑटोमेटिकली उसमें ब्रेक सिस्टम लग जाएगा, आपका जो डिस्चार्ज होकर है लगातार नहीं चलेगा लीवर। किसान भाइयों आज हमने प्रीत ग्रुप के नए मॉडल प्रीत 987 डीलक्स मॉडल के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर की है।